पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब सब में तुम ही हो, तुम में सब सब में तुम ही हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हे आनंद घन हे सुख राशि, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तुम ही मथुरा तुम ही काशी, गुरुदेव तुम्हारी। 91 श्लोक 51 नंबर वाला। अहम् ब्रह्मेत्यनुलिख्य ब्रह्म अस्तीत्येवमुल्लिखन् परोक्ष ज्ञानमेतन्न भ्रांतं बाधा निरूपणात् ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् स्याद् बाध्येत तथा ध्रुवम् न चैवं प्रबलं मानम् पश्यामो तो न बाध्यते व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण ब्रह्मत्वे स्वर्गधीरपि भ्रांति स्याद् वक्त्यन् उल्लेखासमान्योल्लेखदर्शनात् अपरोक्षत्वयोग्यस्य न परोक्षमतिर्भ्रमः परोक्षमिति अनुलेखात् अर्थात् परोक्ष संभवात् जिस विषय का यहाँ पर प्रारंभ किया वो विषय था जीव के भीतर जो शुरुआत में तीन चीज़ें होती हैं, अज्ञान, आवरण और इच्छेद, वही जीव को दुख देने वाली होती हैं और वही जीव का संसरण कराती हैं, संसार में फंसाती हैं। तो अज्ञान में तो कोई भेद नहीं है, अज्ञान तो बिल्कुल एक जैसा होता है सभी को, लेकिन आवरण में भेद होता है। आवरण दो प्रकार का हो गया, एक उस सत्ता को ही हम निषेध कर देते हैं है ही नहीं, असत्वापादक आवरण, और दूसरा हम कहते हैं होगा लेकिन हमको पता नहीं, अभानापादक आवरण। तो ये दोनों कैसे दूर होते हैं, आवरण के जो दो विभाग हैं वो कैसे दूर होते हैं? तो सिद्धांत है कि परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण दूर होता है और अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण दूर होता है। वो परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं, ये जो ना समझी है ये परोक्ष ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जो होगा लेकिन हमको पता नहीं अभानापादक आवरण, ये बिना अपरोक्ष ज्ञान के इसकी निवृत्ति नहीं होती। तो दोनों प्रकार के आवरण को भंग करने के लिए ये दो विषय हुआ, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। अब विचार का एक नया विषय यहाँ पर है
कि जो परोक्ष ज्ञान आप जिसको कहते हो, ये परोक्ष ज्ञान भ्रम तो नहीं है? परोक्ष ज्ञान और भ्रम में क्या फर्क होगा? हम परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं थोड़ा इसको समझो, भ्रम किसको कहते हैं इसको समझो। तो परोक्ष ज्ञान में और भ्रम में चार भेद बताए जाते हैं। यहाँ चार मंत्र श्लोकों में उन चारों का एक एक करके खंडन किया गया है, 52, 53, 54, 55। ये जो चार श्लोक हैं, इन चारों में भ्रम की जो चार संभावनाएं हैं उनका निषेध है। देखो परोक्ष ज्ञान में और भ्रम में क्या फर्क, पहला अंतर ये है कि जो भ्रम होता है उस भ्रम को कोई दूसरा, हमारे भ्रम को कोई दूसरा काट सकता है। जो तुम समझ रहे हो वो बात सही नहीं है, इसका नाम हुआ कि तुम भ्रम में हो, हम जो कह रहे हैं सही है। उसकी बात को कोई तीसरा काट सकता है कि तुम जो बात कह रहे हो वो सही नहीं है। तो जब किसी बात को कोई निषेध कर देता है, उसको काट देता है, तो वहाँ भ्रम की गुंजाइश है। लेकिन परोक्ष ज्ञान जब होता है तो उसका कभी कोई निषेध नहीं करता। अच्छा देखो, एक दुनिया में बहुत बढ़िया देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड, सुना है ना? बहुत सुंदर देश है। हम वहाँ गए हैं, देख आए हैं, सही है कि गलत? अब आप में से कोई कहेगा, हो सकता है आप गए होंगे, महाराज जी कह रहे हैं, आप ही में से कोई कहेगा कि सालों साल हम आपको हिंदुस्तान ही में देखते थे, आप गए कब, झूठ बोल रहे हो। हाँ, तो कोई ना कोई उसका निषेध करने वाला तो हमको हो मिल जाएगा ना। लेकिन स्विट्जरलैंड एक देश है, ये तो परोक्ष ज्ञान है, अब इसका कौन निषेध करेगा? अब दोनों में अंतर समझना। हाँ, स्विट्जरलैंड एक देश है, एक अमुक चीज है, उस बात को तो कोई निषेध नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको देख आए हैं, इस बात में कोई ना कोई संशय हो सकता है, ठीक है? तो परोक्ष ज्ञान और भ्रम में ये फर्क होगा कि भ्रम का कोई ना कोई विरोधी मिल जाएगा, भ्रम को कोई ना कोई काटने वाला मिल जाएगा, लेकिन परोक्ष ज्ञान का कोई काटने वाला नहीं मिलता, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों रहता है। किसी का भी नाम ले लूँ, किसी का भी नाम ले लूँ, कि वहाँ महानगर में जो एक आदमी है वो बहुत दयालु है, तो आपने देखा नहीं है, देखा नहीं है, हमने कहा कि एक आदमी है जो बहुत दयालु है, तो परोक्ष ज्ञान हुआ, परोक्ष ज्ञान तो हुआ, लेकिन इसमें एक संभावना है दूसरा कहेगा कौन दयालु बड़ा दुष्ट है ना? मौका पावे तो सारा का सारा सब हड़प जावे, आपको लगता होगा दयालु। तो ये जो हमने एक ज्ञान दिया कि एक व्यक्ति महानगर में बहुत दयालु है, ये परोक्ष ज्ञान ठीक नहीं है, ये भ्रम भी हो सकता है। जाकी रही भावना जैसी, है ना, ये भ्रम हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति महानगर में रहता है, महानगर में एक मंदिर है जहाँ पर एक पुजारी रहते हैं, उनका अमुक अमुक नाम है, अब इसमें कौन सा संशय होगा? हाँ, इसको कौन काटेगा? भाई मंदिर होगा तो मंदिर में फिर पुजारी भी होंगे, तो यहाँ पर भ्रम की गुंजाइश नहीं होती। तो परोक्ष ज्ञान और भ्रम में एक दूसरे का इतना एक अंतर है, पहला अंतर कि भ्रम को कोई निषेधक करने वाला मिल जाएगा, परोक्ष ज्ञान का कोई निषेध करने वाला नहीं मिलता, ठीक है? दूसरी चीज, ये पहला चीज है भ्रम और परोक्ष ज्ञान में अंतर। दूसरा अंतर बताया कि कोई ऐसी वस्तु का आपने निरूपण कर दिया कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है अमुक जगह पर, आज वो परोक्ष है, परोक्ष माने हमारी नज़रों से बहुत
दूर है, हम चाहें तो उसको जा कर के देख सकते हैं। अरे हम ही नहीं, दूसरे चले गए देख आए, तीसरे चले गए देख आए, 25 लोग गए और उसको देख आए। तो जो चीज आज हम वर्णन करते हैं कि कोई एक चीज है कहीं पर, दूसरे ने नहीं देखा है तो दूसरा प्रयास करे तो उसको देख सकता है। ये परोक्ष ज्ञान की एक शैली है, तरीका है। ताजमहल है, हमने नहीं देखा है, स्कूल में पढ़ा, मास्टर जी ने हमको परोक्ष ज्ञान दिया कि आगरा में एक ताजमहल है, अब आप चाहो तो जा करके देखाओ, ये परोक्ष ज्ञान है। लेकिन एक ऐसी चीज का प्रतिपादन मास्टर साहब करें जो आज तक कभी किसी ने देखा ही ना हुआ, ऐसा परोक्ष तत्व का निरूपण जिसको कभी किसी ने प्रत्यक्ष ना किया हो, वो भ्रम हो सकता है। ऐसा परोक्ष तत्व का निरूपण, एक ऐसी चीज को मैं बताऊं नाम लूं, पांच फन वाला सांप होता है कि नहीं होता, विश्वास होगा कि नहीं होगा। ऐसी बात कही जाए जो कभी किसी ने प्रत्यक्ष ना किया हो तो भ्रम हो सकता है ना, हाँ? हाँ, कभी कोई ना कोई तो देखे भाई, हम नहीं तो हमारे गुरुजी देखे, हमारे गुरुजी नहीं तो उनके गुरुजी ने देखा होगा। तो इसलिए ऐसा परोक्ष ज्ञान जिसके बारे में बात किया जाए और कभी किसी ने प्रत्यक्ष ना किया हो तो भ्रम हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जो सुनी सुनाई श्रद्धा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा किस पर होती है? वेदांतेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारण। वेदांत और कौन से वेदांत के शास्त्र में कहा गया कि कल्प वृक्ष होता है? वेदांत शास्त्र में, वेदांत शास्त्र हमारा कौन? ब्रह्मसूत्र, 11 उपनिषद, कहाँ लिखा है वो नहीं मानेंगे, और जब हम ऊपर जाएंगे तो नहीं मानेंगे, अगले आने वाला है। जब कोई प्रबल प्रमाण आता है तो नीचे के प्रमाण को बाधित कर देता है। प्रबल प्रमाण आवर प्रमाण को बाधित कर देता है। कोई बात रामायण में कही है और गीता जी उससे कोई अलग बात कह देती हैं तो रामायण की बात किनारे हो जाती है, गीता जी की बात मानेंगे, क्योंकि प्रबल प्रमाण है। और कोई बात गीता जी में कही गई है लेकिन अगर उपनिषद उससे अलग बात कह देता है तो फिर उपनिषद की बात माने। गीता जी ने कहा ना, 3 सत्ताएं हैं, 15वां अध्याय यस्माक्षरम अपि तो हम अक्षरात अपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषो। 3 है ना, क्षर से भी अलग हूँ, अक्षर से भी अलग हूँ, इसलिए मुझको कहा जाता है पुरुषोत्तम। 3 सत्ता, उपनिषद इसका निषेध कर देगा तो गीता जी की बात से फिर हम उपनिषद की बात को, फिर हम उपनिषद के सिद्धांत को गीता जी में समझने का प्रयास करेंगे कि इसका कहने का मतलब भगवान का किस प्रकार से कहा है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभौ अपि, ये दोनों अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, इसका कहने का मतलब क्या है? तो प्रबल प्रमाण होना चाहिए। तो भागवत और 18 पुराण और ये हमारा महाभारत और वाल्मीकि रामायण, ये हमारे सबके सब आवर शास्त्र हैं, और इससे प्रबल प्रमाण, और गीता जी से भी प्रबल प्रमाण क्या होगा? उपनिषद और श्रुति, जो आप लोग पंचकोशी पढ़ रहे हो तो हमेशा उसका ध्यान रखें, जैसे ये बातें हम करते हैं, लेकिन इस पर विचार फिलहाल ऐसी कोई चीज। देखो हम स्वर्ग की बात का खंडन नहीं करेंगे क्योंकि वेद में स्वर्ग शब्द बहुत बार आया है,
स्वर्ग कामों के वेद में आया। नचिकेता ने कहा कि स्वर्ग की प्राप्ति की विद्या हमको आप तो स्वर्ग का खंडन नहीं करेंगे। हाँ, केनोपनिषद में यक्ष का पूरा प्रसंग आता तो स्वर्ग का खंडन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, उसका खंडन नहीं करेंगे। लेकिन स्वर्ग में अप्सराएं नाचती हैं, इसका खंडन हम कर देंगे। लेकिन अप्सराओं का वर्णन श्रुति में कहा ना, ना श्रुति प्रमाण से नहीं है ना, श्रुति प्रमाण में है कि स्वर्ग में दुख नहीं होता, स्वर्ग में दुख नहीं होता, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं होता। हाँ, स्वर्गे लोके महिमते, स्वर्ग लोक में अपनी महिमा में आनंदित होता है। अप्सराएं होती है, पुराण कहता है ना। यहाँ पर वो दारू पिए बगैर चैन नहीं पाता था, तो स्वर्ग में भी उसको जो है बहिष्ट चाहिए, तो ये पुराणों में वर्णन आवेगा। अब श्रुति में आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि श्रुति में कहाँ ऐसा वर्णन आता है। स्वर्ग में सुख है, स्वर्ग में दुख नहीं, ये वर्णन आता है। स्वर्ग में दुख नहीं है और स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है। अब वो चाहे जो बात की बात है, लेकिन अब उस स्वर्ग का खंडन नहीं करें। ऐसा जो कोई परोक्ष वर्णन हो गए, जो कभी किसी को प्रत्यक्ष ना हो, उसको हम कहते हैं वो है, ठीक है। सोचिए तीसरी बात कहते हैं, हाँ, जो वस्तु बिल्कुल साक्षात बिल्कुल सामने हो और उसको कोई परोक्ष रूप से वर्णन करे तो भ्रम हो जाएगा। दृष्टांत दूं, एक तीसरा सुधार दृष्टांत दूं। एक ऐसा प्रकाश होता है जिसके प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश होता है जिसके प्रकाश में सब चीज दिखाई पड़ती है ठीक ठीक। तो प्रकाश कहां पर है? अब जब हमने वर्णन किया कि एक ऐसा प्रकाश होता है जिसकी रोशनी में सब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, तो जो प्रकाश बिल्कुल अपरोक्ष है, सामने है, आपने इसको वर्णन कैसे किया? परोक्ष रूप से। सुनने वाला समझेगा कि शायद कोई इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट कोई ऐसा प्रकाश होगा जिसके प्रकाश में सब कुछ दिख, तो उसने जो प्रत्यक्ष अभी इस समय प्रकाश है इसकी उसने कर दी उपेक्षा और एक नए प्रकाश की उसने कर ली कल्पना, को भ्रम हो जाएगा। तो जो साक्षात अपरोक्ष है, जो वर्तमान में प्रत्यक्ष उपलब्ध है, उस चीज को कोई परोक्ष रूप से वर्णन करे तो वहाँ पर भ्रम की गुंजाइश या भ्रमय ही होगा, भ्रम ही होगा। एक लखनऊ शहर है, कैसा होगा लखनऊ शहर? जब देख रहे हो और इसको हम वर्णन करें कि एक लखनऊ शहर है जिसमें एक गांव है, वहां पर एक आश्रम है, वहां पर बैठ करके कुछ स्वाध्याय होता है, तो आप एक कल्पना करोगे ना कि ऐसा होगा, शायद वहां पीपल का पेड़ होगा, उसके नीचे चबूतरा बना होगा, वहां बैठ के गुरुजी भाषण दे रहे होंगे। हाँ, तो आपने प्रत्यक्ष की कर दी उपेक्षा और एक नई कल्पना कर लिया, तो जो सामने बिल्कुल दिखाई पड़ रही है उसकी उपेक्षा करने के कारण ये परोक्ष ज्ञान आपकी होगी भ्रम। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को समझे, ये कहावत का मतलब आरसी माने शीशा, आरसी कहते थे शीशा, ए दूसरी भाषा का शब्द है। हाथ में कंगन है, हाथ में कंगन है, हाथ में कंगन है कि खो गया? मेरे हाथ में कंगन सवेरे मैंने पहना था, है कि खो गया? बोले कैसे पता लगेगा? बोले शीशा में देखो, जब हाथ में कंगन है कि नहीं है, इसको शीशा में देख के पता करोगे कि अपने आप को देखो? हाथ कंगन को, अगर हाथ में कंगन हमने सवेरे पहना था और इस समय चित्त में भूल गए कि हाँ हमारा कंगन है कि नहीं, तो देख लो, अपना छू लो, फिर शीशा देखने की क्या जरूरत है?
हाथ कंगन को आरसी किया, और पढ़ा लिखा हो गए तो चाहे उर्दू हो गए चाहे फारसी हो गए कहीं भी बोल पढ़ ले भैया। अरे पढ़ा लिखा है ना, ये उर्दू के ज़माने में था। हाँ ये जब सम्राट और जो राजा लोग अंग्रेज वो उर्दू वाले होते थे, वो अकबर और जहांगीर वगैरह, उनके ज़माने में फारसी चलती थी, खूब अदालत की भाषा फारसी थी, चिट्ठी की भाषा फारसी थी, पोस्ट ऑफिस की भाषा फारसी थी, तो उस समय जो उर्दू थी, उर्दू और फारसी है ना, तो उस समय चलता था। एक चिट्ठी आई, अब आपका हम कहते पढ़े लिखे को अंग्रेजी क्या, पढ़े लिखे को हिंदी क्या, तो जो सामने है उसके लिए क्या बताना। लेकिन जो सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष हो, जो अपरोक्ष है, उसको परोक्षतया निरूपण करने में वहाँ भ्रम की गुंजाइश। इसीलिए श्रुति भगवती कहते यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। ठीक है, तीन बातें हो गई। चौथी बात कहते हैं ब्रह्म में, चौथी बात कहते हैं हाँ जो अभी कहा, किसी चीज के एक अंश का हमको ज्ञान होवे और उसके पूरे पूरे का ज्ञान ना होवे तो वहाँ भी भ्रम की गुंजाइश होती। किसी चीज के एक अंश का ज्ञान हो, अरे भाई एक अंश का माने डॉक्टर है, हमारे शरीर के एक अंग का ज्ञान हुआ उसको, आँख का डॉक्टर है तो आँख का ज्ञान हुआ, हड्डी को नहीं जानता ठीक से, हाँ तो एक अंश का ज्ञान हुआ ना। अब जब एक अंश का ज्ञान होगा तो उसके भीतर भ्रम की गुंजाइश होगी। क्या हुआ, कठिन लग रहा है? तो ब्रह्म में ये चार चीज़ें होती हैं, इन चारों चीज़ों का एक एक श्लोक में निराकरण किया है, वही समझना। अब देखो देखते जाओ तो ब्रह्म ना अस्ति इति मानम चेत, चेत माने यदि, ये पूर्व पक्षी प्रश्न है, ये प्रश्न है भैया, अगर आप कहो कि ब्रह्म नहीं है, किस शास्त्र में लिखा है बताओ, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा गया हो कि आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कोई कहता है हा? तो जो सबसे पहली चीज थी, सबसे पहली कि इस ज्ञान का कहीं पर कोई निषेध ही नहीं है, बल्कि ब्रह्म है, इसका सब जगह पर वर्णन बार बार है, भगवान है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा ये इदमेक एवाग्रे आसीत, आत्मा है, भगवान है, इसका वर्णन अनेक बार आएगा, लेकिन ब्रह्म नहीं है ऐसा तो कहीं पर नहीं। ब्रह्म ना अस्ति इति मानम चेत स्यात्, अगर ऐसा कहीं पर लिखा होता कि ब्रह्म नहीं है तो बाध्यत, तो फिर ठीक है हम मान लेते कि हाँ ब्रह्म नहीं है, मान लेते, परोक्ष ज्ञान फिर झूठा है, क्योंकि ब्रह्म नहीं है तो उसका ज्ञान भी झूठा हो। लेकिन यहाँ परोक्ष ज्ञान जब कह रहे हैं कि वो ब्रह्म है, तो उस बात का निरूपण श्रुति ने बार बार किया है, ना चैव प्रबलम मानम, देखो ना चैवम प्रबलम मानम, एक प्रमाण को दूसरा प्रमाण काट देता है, दूसरे प्रमाण को तीसरा प्रमाण काट देता है, लगभग देखो ईसावास उपनिषद पढ़ा होगा ना, मैंने भी पढ़ाया होगा और भी पढ़ा होगा, तो ईसावास उपनिषद पढ़ाने में हम कहते क्या हैं, जब प्रवचन प्रवचन किया जाता है तो प्रवचन में इस तरीके के हम समझाएंगे कि शुरुआत के तीन मंत्र सूत्र हैं, है ना, शुरुआत के तीन, ईसावास्यम इदम सर्वम, दूसरा मंत्र पुरवन्ने वे कर्माणि, और तीसरा मंत्र असुरिया नाम। फिर ये तीनों मंत्र की जो भाष्य है व्याख्या है आगे के प्रसंग में आता है, तो हम उसको प्रवचन में सरल करके कहते हैं उत्तम अधिकारी, अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी को एक बार ज्ञान दिया ईसावास्यम इदम सर्वम, अनेजतेकम मनसो जवीया, और उसको ज्ञान हो गया। और नहीं उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी को कहते हैं तुम कर्म करो, कर्म करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, कुर्वन्ने वे कर्माणि, हाँ और कोई रास्ता नहीं, कौन अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है।
और ये जो मध्यम अधिकारी कर्म कैसे करे, तुम कहेंगे अविद्या और विद्या दोनों का समुच्चय करे, संभूति और असंभूति दोनों का समुच्चय करे। और दोनों उत्तम मध्यम दोनों नहीं है और कनिष्ठ है, तो उसके लिए है असुरिया नाम ते लोका, नरक में जाओगे। और नरक से बचने के लिए फिर हिरणमय इन पात्रण से प्रार्थना करो। ऐसा हम वहाँ उत्तम मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी का भेद करके समझाया करते हैं लगभग। लेकिन जब हम शास्त्र के भीतर आएंगे, क्योंकि ये मंत्र भाग है और इसका ब्राह्मण है बृहदारण्यक, तो मंत्र भाग के मंत्रों की ही व्याख्या ब्राह्मण भाग में की जाती है। तो जब वहाँ पर जाएंगे तो कहा जाएगा कि ना, यहाँ पर उत्तम मध्यम का विभाग नहीं है, बल्कि जीवन का परम प्रयोजन है ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ज्ञान होना। ये जीव का परम प्रयोजन है कि ये बोध हो जावे तुमको, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये परम प्रयोजन है। और अगर ये आपको इस ज्ञान से नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इस ज्ञान के लिए तैयारी है, आप अपने मन को तैयार करो कर्म करते हुए, पात्रता को तैयार करो कर्म और ज्ञान का समुच्चय, उपासना में सगुण और निर्गुण का समुच्चय, संभूति, ये तैयार हो जाओ और वहाँ तक पहुँचो। तो अब देखो एक प्रमाण होता है, अब ये इस प्रमाण से, अब वहाँ पर लिखा है ना कि विद्या मृतम, विद्या से ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति, लिखा है ना विद्या अमृतत्वम, लिखा है बिल्कुल स्पष्ट, विद्या से अमरत्व की प्राप्ति, सही है, सही है। अब देखो फिर इसका विस्तार आएगा बहुत बड़े, ईशावास उपनिषद में तो 18 मंत्र हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद में फिर इसके आधार पर करीब करीब 4-5 खंड आएंगे लगातार, बड़े विस्तार में आएंगे। तो वहाँ पर जब लिखा गया कि कर्मणा पितृलोको और विद्या देवलोको, विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर लिखा कि विद्या अमृतत्वम, वहाँ पर इसका भाष्य में आया विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। तो अगर अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, इसका मतलब है यहाँ पर जो लिखा है अमृतत्व, ये सापेक्षिक अमृतत्व, और यहाँ पर विद्या का मतलब है देवता विषयक विद्या। देखो अब वहाँ पर इसका रहस्य जाके वहाँ खुलेगा, आप अभी इतने दिन से पढ़ रहे हो ये कई मंत्र का, बृहदारण्यक के मंत्र का ये पूरा का पूरा चल रहा है ना, आत्मानम चेत, उस मंत्र का वहाँ हो जाए कि विद्या देवलोक का वहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है विद्या अमृतत्वम अस्तुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति हो जाती है। और जबकि ये भी श्रुति ने लिखा है कि नेति नेति, विद्या आपकी बुद्धि में होती है, विद्या तो आपके बुद्धि के अंतर्गत होगी, और जो बुद्धि के भीतर होगा सबका सब बुद्धि के भीतर ही होगा, उससे अमृत की प्राप्ति, ये भी तो लिखा है ना कि ना कर्मणा ना प्रजया, ये भी तो लिखा है ना कि ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या ना मेधया, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो वहाँ पर अब ईशावास उपनिषद की श्रुति का क्या लगाएंगे कि उसका मतलब हुआ कि वहाँ पर विद्या अमृतत्वम अस्मते जो लिखा, उसका मतलब हुआ विद्या मतलब देवता को कैसे प्रसन्न किया जाए, उस विद्या को प्राप्त करते हैं तब उससे इस जगत में जो मरण धर्मा जीव है जो हमेशा मरता है, इससे ऊपर उठ करके जैसे देवता हजारों साल रहते हैं लाखों साल रहते हैं, तो इनकी अपेक्षा ज़्यादा दिन रहने वाला लोक उसको क्या होगा। अब वेद को समझना इतना आसान होता तो सब में खाला जी के घर थोड़े है, चक्कर में पड़ गए आप लोग। इसको हम कहते हैं प्रबल प्रमाण। वो देखो लिखा है ना चैवम प्रबलम मानम पश्यामो ना, तो ये जो बार बार ऐसा कहा है कि ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो है इसको निषेध करने वाला, इससे प्रबल प्रमाण और कहीं पर कि ब्रह्म नहीं है ऐसा कहीं पर लिखा है। इसलिए परोक्ष ज्ञान जब होगा तो भ्रम नहीं होगा बल्कि सही ही होगा। दूसरा कहते हैं
अरे व्यक्ति अनुल्लेख मात्रेण, अरे भैया आप ये कह रहे हो, अभी एक बात और कही थी ना कि ऐसी कोई बात कही जाए जो कभी किसी ने देखा ना, तो भ्रम हो सकता है। अनुल्लेख माने अनुभव, अनुभव पहले अनुभव करते हो उसके बाद लिखते हो, ऐसा लिखने वाला पहले अनुभव करेगा फिर उसके बाद लिखता है। तो ऐसा ज्ञान जिसको हम लिख ना पावे, अनुल्लेख ऐसा ज्ञान जिसको कभी किसी ने अनुभव ना किया हो, वो हमेशा अगर भ्रम ही होता है तो वेद में स्वर्ग का वर्णन तो आया, स्वर्ग धीरपि, वेद में ये वर्णन तो आया कि स्वर्ग है और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हमको अमुक अमुक प्रकार से यज्ञ का यजन करना चाहिए, ऐसे ऐसे हमको यज्ञ का विधान का अनुष्ठान करना चाहिए, तो स्वर्ग को तो अभी देखा नहीं हमने, लेकिन वेद की बात को मान करके हम उसका अनुष्ठान करते हैं, तो ये बात पक्का नहीं है कि जो चीज़ हमने देखा नहीं वो भ्रम ही हो गए। अपरोक्षत्व योग्यस्य न परोक्ष मतिर्भ्रमः, परोक्षमिति अनुल्लेखात्, पारोक्ष संभवात्, परोक्षमिति अनुल्लेखात्, अर्थात् पारोक्ष संभवात्। अच्छा कभी भी कोई ज्ञान होता है ना, कोई ज्ञान तो पहले तो उसको हम सुनते ही है ना, पहले सुनते हैं कि एक ऐसा मोबाइल बाजार में है, पहले तो आपने सुना तो उसका हुआ परोक्ष ज्ञान, सीधी सी बात है, परोक्ष ज्ञान हुआ कि एक ऐसा मोबाइल है। आपको पता है कि एक ऐसा लैपटॉप होता है कि जिसको किताब के जैसे खोल सकते हो, आज तक लैपटॉप ऐसा है कि उसको यूं उठाओ यूं खेलो यूं बंद करो, है ना, ऐसे ऐसे एक एक लैपटॉप ऐसा निकला है जिसका नाम है योगा, योगा लैपटॉप, योगा माने जैसे योग करते हो टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे उसको यूं उठाओ यूं घुमा दो यूं घुमा दो टेढ़ा मेढ़ा कर दो, उसके ऊपर वाले को उठा लो वहाँ से अलग कर लो वो कीबोर्ड से, देखा है कि नहीं सी? देखा है? अच्छा नहीं देखो कोई बात नहीं। अब एक लैपटॉप ऐसा आया हुआ है, देखो अब ये परोक्ष ज्ञान है, अच्छा नहीं परोक्ष ज्ञान आज हुआ ना कि एक ऐसा लैपटॉप है, चलो खरीदवा देते हैं, पैसा होना चाहिए आपके लिए, अभी चलो खरीदवा देते हैं बाजार में, कौन सी बड़ी बात है। अच्छा अब अभी आपने देखा नहीं ना, अपरोक्ष ज्ञान नहीं है ना, सुन लिया, सुन लिया तो क्या हो गया परोक्ष ज्ञान, जाके खरीद लाओ अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, कौन सी नई बात है। हाँ अगर किसी को ना मिले तो भ्रम हो सकता है, महाराज आपने तो ऐसी बात बता दिया जो कहीं बाजार में है ही नहीं तो भ्रम होगा ना, और लेकिन हमने ऐसी बात बताई जो पड़ोसी के घर में है, हाँ आप जाओ तो खरीद लाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा बताया हुआ वो भ्रम नहीं है ना, ऐसी चीज जो हमने बताई अब वो भ्रम तो नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ऐसा परोक्ष ज्ञान जो हमने बताया और उसको आप अनुभव कर सकते हो, देखो कहते अपरोक्षत्व योग्यस्य, परोक्ष ज्ञान जो अपरोक्ष हो सकता है वहाँ पर कोई न परोक्ष मति भ्रमा, वहाँ पर कोई भ्रम नहीं होता, उसमें भ्रम की बात नहीं, हमने ऐसे परोक्ष बात बताई जो अपरोक्ष हो गया आपने अनुभव कर लिया तो वहां भ्रम कहाँ है, हमने कोई बात बताई आप जाके बाजार में खरीद लो वहां भ्रम कहाँ है, ना परोक्ष मति ना भ्रम, वो परोक्ष ज्ञान, फिर जो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष में हो जावे वहां कोई भ्रम नहीं, ठीक है। अरे कहने की बात मत करो, लिखने की बात मत करो, परोक्षम इति अनुल्लेखात,
ऐसा थोड़ी है कि सब चीज़ को लिखा ही जा सकता है, सब चीज़ को बताया जा सकता है। बहुत सारा ऐसा अनुभव होता है जिसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। परोक्षम इति अनुलेखात, अनुलेखात माने भले वो आपको बता नहीं सकते हो, जैसे ब्रह्म को फिर क्या कहते हो कि आप बता नहीं सकते हो, लेकिन अनुभव में तो हुआ, अपरोक्ष तो हुआ। तो जो परोक्ष ज्ञान अपरोक्षता में आ जाता है उसको हम ब्रह्म नहीं कहते। अंतिम चीज कहते हैं अंश वाला, अंशा ग्रहिते भ्रांति चेत घट ज्ञानं भ्रमो भवेत्, निरंशस्यापि सांसत्वं व्यावरंश विभेदतः। अच्छा एक बात बताओ, आप जिसको ब्रह्म कह रहे हो, ब्रह्म का जब ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा ब्रह्म का, तो पूरा ज्ञान होगा कि एक अंश का ज्ञान होगा? हाँ हाँ, ब्रह्म के एक अंश का ज्ञान होगा कि पूरा का पूरा ज्ञान होगा? अच्छा, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, आकाश के जैसे, आकाश के एक अंश को देखते हो कि पूरा का पूरा आकाश देखते हो एक साथ में? हाँ गुड, कितना बढ़िया, देखो बच्चे ज़्यादा समझदार हैं आप बुड्ढों। अब पूरा आकाश कहाँ दिखाई पड़ता है, बस जितना दिखाई पड़ता है कौंधा घड़ा जैसे रखा हुआ है नीला नीला, हाँ आकाश का एक अंश दिखाई पड़ रहा है, पूरा पूरा आकाश थोड़े दिखाई पड़ रहा है। और जब एक अंश दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे ब्रह्म के भी अगर एक अंश का ज्ञान होगा तब ब्रह्म होगा ना, है ना? भाई आकाश का भी एक अंश का ज्ञान हुआ तो नीलेपन का भ्रम हुआ, पूरे रेगिस्तान का कहाँ ज्ञान हुआ? रेगिस्तान के पूरे का ज्ञान कहाँ हुआ? रेगिस्तान के एक अंश में मृग मरीचिका का जल दिखाई पड़ा ना, एक अंश में ना, पूरे रेगिस्तान का ज्ञान कब किसको हुआ? अच्छा एक, अब देखो किसी भी चीज के एक अंश का ज्ञान होता है कि सर्वांश का? एक अंश का ना, अभी तो उल्टा बोले थे कि पूरा का पूरा ब्रह्म का ज्ञान होगा। हाँ क्यों, कौन कौन बोला था पूरा का पूरा ब्रह्म का ज्ञान होगा? अब इसीलिए प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, 50 लोग 50 मत, तो प्रमाण हमारे लिए अब क्या होगा? श्रुति प्रमाण। तो ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं तो ये तुम्हारा अंश और पूर्ण तुम्हारी ये ना समझी है। ब्रह्म का ज्ञान कौन करेगा? ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करोगे? अरे ब्रह्म तो आप हो ही। आज हम अपनी मनुष्यता का ज्ञान प्राप्त करेंगे, आज ध्यान में बैठूंगा तो ये ज्ञान प्राप्त करूंगा कि मैं मनुष्य, आज हम अपने जिंदा होने का ज्ञान प्राप्त करेंगे, मैं चेतन हूं। अरे ब्रह्म का वो हो ही, जो चीज आपका स्वरूप है उसका ज्ञान कैसे होगा? और आप ज्ञान कहते हो तो वहां बुद्धि आ गई, और बुद्धि आ गई तो बुद्धि को सर्वांश का ज्ञान नहीं हो सकता, बुद्धि तो एक एक अंश का ही ज्ञान प्राप्त करेगी ना, क्योंकि बुद्धि भी एक अंश है। तो बुद्धि को जितना ज्ञान होगा वो सबका सब एक अंश का ही ज्ञान होगा, और ब्रह्म का ज्ञान बुद्धि को कभी होता ही नहीं। क्या यार इतनी सी बात नहीं समझ में आती, समझाते समझाते बाल पक गए। ब्रह्म वित्त क्या? हाँ हाँ लाइन याद है फटाफट। हाँ वो ब्रह्म हो जाता है, याद है, तो फिर कैसे कहते हो कि ब्रह्म को जानेंगे हम? हम अलग रहेंगे जैसे माइक को जान रहे हैं ऐसे। अगर आप ऐसे जानोगे मैं अलग हूँ माइक को जान रहा हूँ, तो पूरे माइक का ज्ञान एक साथ नहीं होगा। फिर जिस समय माइक का यहाँ को देखूँगा डंडा नहीं दिखाई पड़ेगा, डंडा देखूँगा तो एम्पलीफायर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो सर्वांश माइक का ज्ञान एक साथ में नहीं होगा, है ना? ठीक है ना, एक एक प्रचिन ज्ञान। क्यों? क्योंकि इससे मैं जानने वाला अलग हूं। तो वही चीज कह रहे हैं अंश अग्रहीते भ्रांति,
अरे भैया, ब्रह्म का कोई भी अंश दिखाई नहीं पड़ता हमको, इसलिए जो आप कह रहे हो कि ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है, वो ब्रह्म होगा, वो सही बात नहीं, ब्रह्म नहीं, ऐसे कोई भक्ति उक्ति वाले कह देते कभी कभी, हाँ कोई ना कोई, अरे ब्रह्म नहीं ब्रह्म हो जाएगा, क्यों? वहाँ पर ये बात आ जाती है, क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमने ब्रह्म का कोई अंश देखा नहीं। बोले महाराज, यही तो आप नासमझी कर रहे हो, हम ये कब कह रहे हैं कि आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा और आप बैठ के टुकुर टुकुर देखोगे कि ब्रह्म सामने आ गया, ये हमने कब कहा है, ये हमने कब कहा है? अरे भैया, अच्छा चलो और सरल भाषा में आओ, और सरल भाषा में आओ, घट का ज्ञान पूरा होता है कि एक अंश का? कुम्हार के दुकान पे गए घड़ा खरीदने को, पूरे घड़े को देखा कि एक अंश को? अब जिस समय घड़ा लिया तो सामने वाला दिखाई पड़ा तो पीछे नहीं दिखाई पड़ा, है ना? अब उसको घुमा के देखा, घुमा के देखा तो पीछे वाला दिखाई पड़ने लगा तो आगे वाला पीछे चला गया ना, फिर अब आगे वाला पीछे वाला पर ध्यान गया तो उसके नीचे पेंदा वो दिखाई पड़ रहा है क्या? जिस समय यूँ देख रहे हो तो नीचे का दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जिस समय आपने इधर का सामने का देखा तो घड़े के अंदर की दीवार का, हाँ ऊपर से तो कलर किया हुआ है बढ़िया, ये सब दुकान वाले ऊपर से रंग किया हुआ है, आजकल तो सब्जी भी रंग वाली मिलती है, भिंडी भी रंग वाली मिलती है, बैगन भी रंग वाला मिलता है, तो ऊपर से तो रंग किया। अच्छा, बैगन का पूरा एक अंश में देखा कि पूरा का पूरा? हाँ, अगर पूरा पूरा अकल होती देखने के ना, तो घर आके कड़वा हुआ काला टूटा अंदर से सड़ा हुआ न पत, आम का पूरा अंश देखा कि एक अंश? ऊपर से तो बढ़िया कड़ा कड़ा बिल्कुल पीला पीला और अंदर से वो ऐसा पिलपिला दशहरी, हाँ ना छुआ जाए ना खाया जावे, लगभग अब आजकल दशहरी ऐसी आएगी, है ना? ऊपर से कड़ा कड़ा और अंदर, तो अंदर वाला देखा था आपने खरीदते समय। जब ये सारी दुनिया में आप एक अंश को देखते हो और मान लेते हो, फिर उसको ब्रह्म नहीं कहते हो, देखते एक अंश को हो और फिर भी आप कहते हो कि चलो ये आम है खरीद लेता हूँ, तो ऐसे ब्रह्म को भी समझ लो। चलिए जी, तो उसकी सत्ता में तो आपका, यहाँ कहने का मतलब है कि एक अंश देखने के बाद भी आपका परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता को तो स्वीकार कर रहे हो ना, घट के एक अंश को देखा, ये पूरा घट नहीं दिखाई पड़ा लेकिन फिर भी आपने घटम अस्ति इसको तो स्वीकार किया कि नहीं किया? हाँ, बैगन है आम है ये तो स्वीकार किया ना, तो परोक्ष ज्ञान भ्रम कहाँ है? वो भ्रम कहाँ है? क्योंकि आपने उसकी सत्ता को पूरा का पूरा नहीं देखा तो भी। तो परोक्ष ज्ञान, संसार में परोक्ष ज्ञान भ्रम हो सकता है लेकिन परमात्मा का वो परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है, क्योंकि वो परोक्ष ज्ञान कभी न कभी अपरोक्षता में परिणत हो जाता है, और असल में तो निरंशस्य अपिसांसत्वम्, परमात्मा में ब्रह्म में कोई अंश अंशी का संबंध ही नहीं। ये तुम लोगों ने लगता पढ़ लिया था पहले, कई लोगों ने कहा ना परमात्मा में कोई ब्रह्म में कोई अंश अंशी नहीं है, वो लोग पढ़ लिए थे पहले घर में। यहाँ पर अंश अंशी बताना मेरा मतलब नहीं है, यहाँ पर ये बताना है कि परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं, भले एक अंश का ज्ञान होवे, पूरे का पूरा का ज्ञान नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी सत्ता को हम स्वीकार कर, उसकी सत्ता को स्वीकार करने के कारण उसका ज्ञान भ्रम नहीं। वही चीज, घट को हमने पूरा नहीं जाना, माइक को पूरा नहीं जाना, आपने एक वस्तु को पूरा नहीं जाना लेकिन वो वस्तु है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो ये ज्ञान कि माइक है, हाँ हाँ पृथ्वी गोल है, ये परोक्ष ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है, लेकिन भ्रम कह दें पृथ्वी के एक अंश का ज्ञान हो रहा है लेकिन फिर भी पृथ्वी के पूरे अंश का ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन भ्रम तो
नहीं है ना, ऐसे ही ब्रह्म का। चलो जी, यहाँ पर ये प्रसंग पूरा हो गया। यहाँ पर इतनी देर तक हमको एक बात समझानी थी कि जो आत्मा का हम परोक्ष ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम भगवान का स्वरूप हो, तुम ब्रह्म हो, वो परोक्ष ज्ञान ब्रह्म नहीं है बल्कि वो भी सत्य है। क्यों? उसका कोई निषेध नहीं है, नंबर एक। श्रुति उसमें प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, नंबर दो। और उसको साधना करके अनुभव आप कर सकते हो, नंबर तीन। और तुम ब्रह्म स्वरूप हो क्योंकि यहाँ अंश का ज्ञान होने पर भी, अंश का ज्ञान होने पर भी, अरे भाई मैं चेतन हूँ, पूरी चेतनता का बोध कहाँ हो रहा है? कितना चेतन हो, कितने कितने यूनिट में? बोले आँख से दिखाई पड़ा इतने तो बोध हुआ, कान से सुनाई पड़ा इतने तो बोध हुआ चेतनता का, लेकिन हमने समझ लिया कि मैं चेतन घन हूँ, मैं सद घन हूँ, चित घन हूँ। कैसे? ये परोक्ष ज्ञान भी आपका ब्रह्म। तो अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हो, यही कारण है कि हम लोग शास्त्र में कहते हैं अगर परमात्मा के ब्रह्म के स्वरूप का परोक्ष ज्ञान भी हो जाता है तो उसकी भी पुनर्जन्म वो नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म तो है ही नहीं। संसार में ब्रह्म हो सकता है, आप बार बार सुनते ना कि परोक्ष ज्ञानी को भी ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति, और ब्रह्मलोक में उसकी क्रम मुक्ति के मार्ग पर जाता है और अंत में ब्रह्मा उसको ज्ञान देके, तो परोक्ष ज्ञान को भी जो है वहाँ पर आदर दिया। क्यों? क्योंकि परोक्ष ज्ञान आत्मा का ब्रह्म नहीं है, इसलिए अगर कोई परोक्ष ज्ञान को भी धारण कर लेता है तो भी उसको क्रम मुक्ति के मार्ग पर गति मिलती है। अतएव परोक्ष ज्ञान ब्रह्म नहीं, ठीक है? परोक्ष ज्ञान से क्या होगा? अब लौट के आओ फिर वहीं पर जहाँ से शुरू किया था। आवरण के दो प्रकार हैं, भूल जाते हो, आवरण के दो प्रकार हैं, असत्वापादक अभानापादक। तो परोक्ष ज्ञान से दूर होता है असत्वापादक, है ना? तो देखो अब पढ़ लो अगला श्लोक तो क्लियर हो जाएगा। असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञानतस्तथा अभानांश निवृत्ते स्यात् अपरोक्ष धिया कृता। असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञान, जो असत्व यानी असत्वापादक आवरण है वो निवर्तेत निकल जाता है, कैसे? परोक्ष ज्ञान से। नीचे की लाइन में लिखा अभानांश, जो अभानापादक आवरण है निवृत्ति, उसकी निवृत्ति हो जाती है कैसे? परोक्ष अपरोक्ष स्यात, वहाँ पर स्यात धन अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान से, अपरोक्ष अनुभव से। तो परोक्ष ज्ञान से परमात्मा है ही नहीं ये मिट जाता है, और परमात्मा है लेकिन हम नहीं जान रहे हैं ये चीज़ अपरोक्ष ज्ञान से मिट जाता है, इसलिए परोक्ष ज्ञान की भी ज़रूरत और अपरोक्ष ज्ञान की भी ज़रूरत है। दसमो अस्तीति विभ्रांतम परोक्ष ज्ञानम ईच्छते ब्रह्म अस्तीत्यपि तद्वद स्यात् ज्ञानावरणम समम। वो जो दस बच्चे गए थे ना, और एक उनका जो है रो रहे थे सबके सब बच्चे बैठ करके, तो जब एक संत आए और संत ने कहा दसमो अस्ति, दसवां बच्चा है, तो ये कौन सा ज्ञान था उनको उस समय? ना अपरोक्ष तब होगा जब कहेंगे गिनो और उसको मारोगे, कहेंगे त्वम दसमो असि। हाँ, पहले तो गुरुजी ने सांत्वना दिया था ना, घबराओ मत, घबराओ मत, दसवां बच्चा है, मैं उसको मिला दूंगा, याद है ना?
वो क्रम भूल गए तुम। चलो एक मुखिया को कहा था खड़े होके फिर से गिनो मेरे सामने, है ना। तो पहले जब कहा था दसवां है तो उस समय कौन सा ज्ञान हुआ था? परोक्ष ज्ञान। वो ब्रह्म है क्या? वो ब्रह्म नहीं है। क्यों? आप वहां पर वो सारे हेतु आप ले आओ, क्योंकि आप दसवां नहीं है इस बात को कहने वाला कोई प्रबल प्रमाण, क्योंकि वो संत जी से ज्यादा प्रबल प्रमाण तो और कोई। वो नौ बच्चे तो कह रहे थे कि दसवां भाई डूब गया, नौ तो डूब, लेकिन और जो नौ बच्चे रो रहे थे उनसे प्रबल प्रमाण कौन हो गया? संत। हाँ, और वो कह रहे हैं कि दसवां है तो है परोक्ष ज्ञान, अभी है परोक्ष ज्ञान, लेकिन अब ये परोक्ष ज्ञान ब्रह्म नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रमाण है, कोई निषेधात्मक नहीं है। ऐसे ही तदवद, ऐसे ही जब गुरु जी कह रहे हैं ब्रह्म अस्ति, परमात्मा है, ब्रह्म है, तो ये परोक्ष ज्ञान भी आपका ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं। गिना देंगे तो गुरु जी कहेंगे ना चल गिन ले, बाद में अनुभव करा देंगे, तो ऐसे अनुभव करा दिया जाएगा, काहे का चिंता करते हो। हाँ, यही तो बात है। ये जो बुद्धि संसार का कचड़ा इकट्ठा किए है ना, उस संसार के कचड़ा को हटाने का सारा प्रयास हम कर रहे हैं। हम ब्रह्म का ज्ञान थोड़े करा रहे हैं। हाँ, बुद्धि क्यों रह जाएगी? वो संसार का जो जितना सारा का सारा कचड़ात्मक ज्ञान है ना, वही तो बुद्धि है। मैं शरीर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं खराब हूँ, मेरा है ये घर, मेरा है पत्नी, मेरी बच्चे, मेरे सम्मान, ये जितना संसार का रखा है कहाँ रखा है? बुद्धि में। महाराज श्री ऐसे कहते थे, अखंडाकार वृत्ति का पेट फट जाएगा। हाँ, इसी को तो अभी सुन के आए ना, मनोनाश। क्या सुना था? तत्व ज्ञान वासना क्षय। मनोनाश माने वहाँ मन माने अंतःकरण, मन में मन माने केवल संकल्प विकल्पात्मक नहीं, अभी भी पढ़ा था ना हरिद्वार में, मन माने वहाँ पर पूरे अंतःकरण का। तो हम तो आपको मिटाने के लिए चले हैं हुजूर, और आप चाहते हो कि मैं बना रहूं ऐसे और इसी में ब्रह्म को जान लूं। हम मिटने के लिए तैयार नहीं, और गुरु जी डंडा लेके पीछे पड़े हैं, मिटो हे जोगी, हे भैया तुम अपने आप को मिटाओ, अपनी अकल को मिटाओ, अपनी समझ को मिटाओ, अपनी अकड़ को मिटाओ, अपने बड़े जो है। और वो मैं ऐसे वैसे नहीं हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ, पागल थोड़े हूँ, इतने बड़े अफसर से रिटायर हुआ हूँ, ऐसे मत देखना मुझको। हाँ, अरे भूतपूर्व डॉक्टर हूँ। हाँ, भूतपूर्व तो है ना, ऐसे ऐसे मत बोलना मेरे नाम के आगे आपने डिग्री। ये हम मिटता ही नहीं, और जब तक ये मिटता नहीं तब तक उसका अनुभव। सब दो कौड़ी का। हाँ, सही बात है। इतना पढ़े, हाई स्कूल इंटर पढ़ पढ़ करके इम्तहान दिया, एमए किया, बीए किए, लॉ किए, इतने दिन नौकरी किया, इतनों को लाइन से खड़ा करता था, दरवाजे पर आने पर तीन बार कांपा करते थे लोग, है ना। कोई और यहाँ आते जो है कहते हैं आप दो कौड़ी के हो गए। हाँ, वो बुद्धि बनी रहे, हम उपयोग ना करें, वो सुरक्षित बनी रहे, और हम परमात्मा का अनुभव कर लें, तो जब जरूरत पड़ेगी तो बुद्धि को लेकर उपयोग कर लेंगे। बाबा रे, अच्छा अच्छा, बुद्धि अध्यास है, कल्पित है कि सत्य है? अभी क्या कहा था, विक्षेप में दो शरीर था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, चिदाभास, कर्ता, ज्ञाता, भोक्ता, ये सब क्या था? विक्षेप। विक्षेप माने कल्पित, है ना। जब कल्पित चीज है तो आप उसको एक समय पर अलग रख दोगे, फिर सत्य का अनुभव कर लोगे, तो कल सत्य का अनुभव हो जाएगा, तो उसके बाद कल्पित, एक बार रस्सी को जान लो, फिर उसके बाद चलो अब सर्प से खेलेंगे।
चलेगा है ना, कल्पित कहा ना नहीं तो वैसे बुद्धि तो वही सर्प के जैसे है ना, तो हम कह क्या रहे कि रस्सी का जान ले और उसके बाद फिर सांप से हम आलिंगन करेंगे, आज भोले बाबा बनेंगे, तो ये समझ में आ जावे तो बहुत बढ़िया। हाँ, ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, मैं भी ब्रह्म का अनुभव कर सकता हूँ, ये दृढ़ विश्वास हो, इसमें कोई ब्रह्म नहीं पक्का। हाँ, एक परोक्ष ज्ञान भी हो जाए तो भी बहुत कुछ समझो कि भगवान की कृपा है। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि ब्रह्म क्या चीज है। बहिर्मुखता, वो पहले आया था एक प्रसंग में, क्यों? क्योंकि चित्त हमारा इतना ज़्यादा बहिर जगत की तरफ दौड़ रहा है कि अपनी आत्मानम चेत, चेत कहने का मतलब ये है कि वो बहिर्मुखता के कारण जो अपना सहज स्वरूप है उसकी तरफ नजर जाती नहीं। बहिर्मुखता, ये मेरा घर, मेरी वस्तु, ये वो मिल जाए तो सुखी, वो चीज़ हो जाए तो अच्छा, वो चीज़, तो चित्त कहाँ जा रहा है लगातार? बहिर्मुख, पहले आ चुका है प्रसंग, पहले कई श्लोकों में आया था। तो जब तक चित्त हमारा बहिर्मुखी होता है तब तक सहज स्वरूप अपना है, जो हम हैं ही उसी का पता, उसमें यही कठिनाई होती है और तो। इसलिए हमको वो चौपाई इसके बाद पढ़ना चाहिए, वो चौपाई बहुत बढ़िया लगती है, मूंदा आँख ज्ञानियों को ठेका हमने थोड़े ले रखा है, हम सबको ज्ञान देने का ठेका नहीं, हम जिज्ञासु के लिए, हमारी दृष्टि में मुमुक्षु जिज्ञासु साधन चतुष्टय उसको पढ़ा रहे हैं ना, पंचदशी आप रिक्शा चलाने वाले को कौन पढ़ा रहे हैं? आप साधन चतुष्टय, आपने अधिकारी का निरूपण किया, अधिकारी कैसा है आपके सामने? मुमुक्षु जिज्ञासु, तो जिज्ञासु के लिए सबके लिए। हाँ, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।